कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लगाए गए 59 घंटे के लॉकडाउन के बीच नगर निगम प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन, बाजारों, मॉल को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज कराने का काम लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को असुरन चौक स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स में जोनल 3 के अधिकारी प्रीतम सिंह वर्मा के देख में पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज कराया गया। इस संबंध में जोन 3 के जोनल अधिकारी प्रीतम सिंह वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार जोन 3 के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जोन 3 के जोनल अधिकारी प्रीतम सिंह वर्मा ने कहा, प्रीतम सिंह वर्मा जोनल अधिकारी जोन 3 नगर निगम गोरखपुर। सैनिटाइजेशन का काम
पूरे नगर निगम में किया जा रहा है। 40 मशीनें हमारी चल रही हैं और जोन हर जोन में 10-10 मशीनें आवंटित हैं। आजकल लॉकडाउन था सैटरडे और संडे, इसलिए जो है यहाँ पर मार्केट एरिया या पुलिस थाना जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं उनको ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है। बाकी वार्डों में अंदर जहाँ गलियाँ हैं वहाँ छोटी छोटी मशीनें भी जा रही हैं, तो पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स में पहले भी हो चुका है और आज हम लोग खड़े होकर पूरा एक तरफ से सारी दुकानें जहाँ तक पहुँच हो सकती है, अंदर कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे मशीन हमारी नहीं जा सकती वहाँ छोटी मशीनों से भी हम करवाएंगे। अब पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं।